जब तक लोगों के पास पैसा नहीं होगा तब तक अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। अमीरी बढ़ी है तो गरीबी क्यों बढ़ रही है, ये सवाल। लोग 20 करोड़ रोजगार का हिसाब मांगने आए हैं कि आपने रोजगार नहीं दिया बल्कि रोजगार छीन लिया। कुछ आप बर्बाद कर रहे हैं, आप 2 करोड़ रोजगार तो नहीं दिए, उससे ज़्यादा रोजगार छीन लिए हैं। और सरकार जवाब नहीं देगी तो नौजवान सरकार को जवाब देने के लिए तैयार है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज़। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां युवाओं का एक यूथ पार्लियामेंट लगा है और मोदी से सवाल किया जा रहा है। यहां पर हमारे साथ एक युवा मौजूद है, क्या कुछ आपका कहना है, किस बात के लिए ये यूथ पार्लियामेंट किस बात के लिए लगा है? आज हम लोग पूरे देश में जो 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा माननीय प्रधानमंत्री ने किया था 2014 में, और अब 24 आ गया है, और हम लोग 20 करोड़ रोजगार का हिसाब मांगने आए हैं कि आपने 20 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, वो रोजगार कहाँ गया? और आप देखिए तो लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई हमने रोजगार दिया है, ढेर सारा देश में विकास किया है। तो हम लोग पार्लियामेंट में आके पूरे देश के लोग अलग अलग राज्यों से ये बात कहने आए हैं कि आपने रोजगार नहीं दिया बल्कि रोजगार छीन लिया। रेल से लेके, BSNL से लेके, भेल से लेके, सेल से लेके, सब कुछ आप प्राइवेट हाथों में दे दिए, जिससे रोजगार खत्म हो गया। और आप यूनिवर्सिटीज तक को भी प्राइवेट करने की पूरी दिशा में हैं, सब कुछ आप बर्बाद कर रहे हैं। आप 2 करोड़ रोजगार तो नहीं दिए, उससे ज़्यादा रोजगार छीन लिए हैं। तो इसका जवाब मांगने के लिए हम यूथ पार्लियामेंट में। क्या लगता है जवाब मिलेगा, सरकार देगी जवाब आपको? देखिए, हम लोग तो लगातार सरकार से जवाब नहीं पा रहे हैं, और सरकार जवाब नहीं देगी तो नौजवान सरकार को जवाब देने के लिए तैयार है। क्या जवाब देंगे? हम ये समझते हैं कि नौजवान विरोधी, युवा विरोधी सरकार ये इस देश के अंदर नहीं चलेगी। आने वाले दिनों में इनको सत्ता से बाहर होना होगा। तो फिर कौन आएगा सत्ता में? देखिए, हम तो समझते हैं कि वो आएगा जो नौजवानों को रोजगार देने की गारंटी करे, रोजगार देने की बात करेगा, और वो सिर्फ जुमला नहीं होगा, वो हकीकत में नौजवानों को रोजगार दे सके, ऐसी पॉलिसी बनाए, ऐसी नीति बनाए। आपकी एक बुक पढ़ रही थी मैंने, पढ़ा, उसमें आप लोगों ने खासा नाराजगी जाहिर की है मशीन को लेकर, मशीनों के उत्पाद को लेकर, कि मशीन आने से जो है रोजगार कम हो रहा है। अच्छा, देखिए, हम लोग शायद वो बुक पता नहीं किसने छापा है, किसने लिखा है, क्योंकि RYA की बुकलेट वो नहीं होगी। नहीं, ऐसे यहाँ पे बट रहा है, वो अलग अलग लोग आते हैं जंतर मंतर पे, अपने अपना कुछ कुछ बांटते रहते हैं। हम इसके पक्ष में नहीं है कि टेक्नोलॉजी का विकास ना हो, हम ये बात कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का जो विकास है वो लोगों के हित में होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि बैंक में 50 लोग काम कर रहे थे और कंप्यूटर आ गया, उन 50ों की छटनी होगी, बल्कि ये होगा कि जो काम का बर्डन था, जो हम 12 घंटे 8 घंटे काम कर रहे थे, अब हम वो 4 घंटे में काम कर सकेंगे। उसमें सबको सहूलियत होनी चाहिए, ना कि वो कंप्यूटर किसी एक के फायदे के लिए हो। हमारे देश का जो विकास का मॉडल है ये संकट तलब बात है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी संकट तलब की बात। सवाल उठेगा ना कि कंप्यूटर अगर आता है, मशीन जो भी आती है, उसमें भी खर्चे होते हैं, और जो पहले से एम्प्लॉई हैं उनमें भी खर्चे हैं, उनको भी वेतन दे रहा है, काम तो फिर खर्चे बढ़ जाएंगे ना। देखिए, कंप्यूटर की लागत एक बार होती है ना, और अगर आप अर्थव्यवस्था के बारे में न्यूनतम समझदारी रखती हैं, ये समझना होगा कि जब तक लोगों के पास पैसा नहीं होगा तब तक अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। तो लोगों के पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो माल खरीदेंगे, तभी सामान खरीदेंगे, और तभी अर्थव्यवस्था रन करेगी। तो आप उनको अर्थव्यवस्था से बाहर कर देंगे तो विकास रुक जाएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री ने गारंटी दी है कि तीसरी बार सरकार बनेगी तो भारत जो है वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला भारत होगा। आप सोचिएगा कि हमारे देश में अमीरी भी बढ़ रही है और गरीबी भी बढ़ रही है। तीसरी अर्थव्यवस्था तो हम लगभग पहले भी होते रहे हैं, लेकिन अब हम नहीं हैं। हम तो गरीबी में अव्वल हैं, हम तो बदहाली में अव्वल हैं, भुखमरी में अव्वल हैं, हम तो रेप की राजधानी बनते जा रहे हैं, हमारा तो ग्राफ उल्टा जा रहा है। तो सरकार सपना ना दिखाए,
दो करोड़ आप रोजगार देने का सपना दिखाए थे, अब अर्थव्यवस्था आप अमीरों के लिए बेहतर करेंगे, बाकी लोगों के लिए क्या होगा? विकास तो कह रहे हैं विकास हुआ है भाई, विकास तो दिख रहा है ना, बेरोजगारी का आंकड़ा कितना आगे बढ़ गया, भुखमरी बढ़ गई और बदहाली इस देश में बढ़ गई। अमीरी बढ़ी है तो गरीबी क्यों बढ़ रही है, ये सवाल है। विकास का ये मॉडल ठीक नहीं है। जनता कह रही है कि देश सबसे सुरक्षित हाथों में है। देखिए आप सुरक्षा मणिपुर में देख रही है ना, सबसे सुरक्षित हाथों में होने का ये हाल है। और मैं तो आए दिन देख रहा हूँ महिला पहलवानों का आंदोलन, आप देखिए यूपी से आता हूँ, यूपी में जिस तरह से आए दिन मंत्री विधायक और भाजपा के लोग इस तरह की चीज़ों में शामिल हैं, इसे लगता है कि हम कोई सुरक्षित नहीं हैं, असुरक्षित हैं। विदेशी नीतियां जो है वो मजबूत हो रही हैं, विदेश से रिश्ता मजबूत हो रहा है ये मोदी के राज्य में। देखिए भारत में सबसे ज़्यादा लोग हैं, यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है और उस बड़ी आबादी पे सबकी निगाहें हैं कि हमारा माल भारत में बिक सके, इसके लिए दुनिया की ये जरूरत है भारत उसका दोस्त बने। रोजगार को लेकर उपस्थित हुए हैं तो क्या लगता है कौन सी ऐसी सरकार होगी, कौन सी ऐसी पार्टी है जो युवाओं की बात सुनेगी और रोजगार देगी आकर? देखिए भाजपा रोजगार खत्म करने वाली पार्टी है, जो रोजगार था वो भी इन्होंने खत्म कर दिया, तो ये जाए पहले और जो भी आएगा वो इससे बेहतर होगा। ठीक है, तो आपने सुना कि जो है पूरा मुद्दा रोजगार को लेकर है, युवा जो लगातार बेरोजगारी की ओर बढ़ते जा रहे हैं, रोजगार खत्म हो गया है। जिस पार्टी ने कहा था, जिस सरकार ने वादे किए थे हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का, तो 9 साल में 18 करोड़ रोजगार होने चाहिए थे, जिसका हिसाब मांगने ये सब लोग पूरे भारतवर्ष से यहाँ उपस्थित हुए हैं, कोई बिहार से, कोई महाराष्ट्र से, कोई उत्तर प्रदेश से, तो कोई किसी और राज्य से, हर जगह से लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज़।